उत्तराखंड के हर मंडल से कार्यकर्ता देहरादून आया है, जाएगी आवाज तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी भींच कर बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। मंच पर उपस्थित उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तराखंड के ही नेता श्री अनिल बलूनी जी और भारतीय जनता पार्टी के आत्मा ऐसे हर मंडल से आए हुए मेरे प्यारे कार्यकर्ता भाई और बहन, आज चुनाव के बाद उत्तराखंड के इतने बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं से पहली बार मिलना होगा। सबसे पहले ये देवभूमि उत्तराखंड की जनता को मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से दो हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूं कि 3/4 बहुमत से हमारी सरकार बनाई। और उसके बाद इस जीत का जो विक्रम बनाया है वो जीत के विक्रम के शिल्पकार भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को मैं हृदय से पार्टी की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी
तो आप मानकर चलना चुनाव जीतने का यश भारतीय जनता पार्टी के बूथ के कार्यकर्ता को जाता है, उनके बगैर भाजपा चुनाव नहीं। और उत्तराखंड में तो जब उत्तराखंड की मांग हो रही थी तब से लेकर स्थिर सरकार आई है तब तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उत्तराखंड के भविष्य के लिए हमेशा संघर्ष करता है। मित्रों, जब उत्तराखंड का आंदोलन चल रहा था तब सारी पार्टियां एक या दूसरे रास्ते से पछड़ी पिछड़ी गली पकड़ रही थी, किसी का स्टैंड स्पष्ट नहीं था, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड स्पष्ट था कि देवभूमि उत्तराखंड की रचना होनी चाहिए, यहां पर एक अच्छा राज्य बना। राज्य कब बना? राज्य भी तब बना जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी उसके प्रधानमंत्री बने, तब उत्तराखंड की रचना। और जब से उत्तराखंड की रचना हुई तब से लेके घर चुनाव तक एक मांग लगातार होती है कि उत्तराखंड के अंदर स्थिर सरकार, एक बड़े बहुमत वाली सरकार आए। और वो मांग भी तब पूरी हुई जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और नरेंद्र भाई उसके प्रधानमंत्री बने, तब 3/4 बहुमत से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी बनी। भी तो चुनाव में हमने कहा था अटल जी ने बनाया है नरेंद्र भाई सवार, याद है ना आपको, अटल जी ने बनाया है नरेंद्र भाई सवार, ये हमारा चुनावी वादा था देवभूमि की जनता को। आमतौर पर चुनाव के बाद कोई वादे याद नहीं करते हैं, मगर मैं देवभूमि की जनता को फिर से वादा दोहराना चाहता हूं, अटल जी ने बनाया था नरेंद्र भाई सवार। मित्रों, इस उत्तराखंड में 5 साल तक कांग्रेस की सरकार चली और 5 साल में शराब माफिया, खनन माफिया, भूम माफिया, गुंडागर्दी चौहर उत्तराखंड की जनता त्राहिमाम त्राहिमाम, भ्रष्टाचार उसकी चरम सीमा पर। तब जाकर हमने कहा था कि इस बार उत्तराखंड की जनता एक निर्णायक मैंडेट दे, निर्णायक फैसला करे, भारतीय जनता पार्टी को अधिकार दे, हम उत्तराखंड को शराब माफियाओं से मुक्त कराएंगे, खनन माफिया से मुक्त कराएंगे और गुंडागर्दी से भी मुक्त कराएंगे। और मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि 6 महीने के अंदर त्रिवेंद्र सिंह सरकार ने, त्रिवेंद्र रावत सरकार ने, भाजपा सरकार ने खनन माफियाओं से उत्तराखंड को मुक्ति दिलाने का काम। आज केंद्र में जिस प्रकार से नरेंद्र भाई की सरकार एक पारदर्शी सरकार, एक प्रामाणिक सरकार चल रही है, उसी तरह से उत्तराखंड में भी त्रिवेंद्र जी के नेतृत्व में एक प्रामाणिक सरकार चल रही है जो देवभूमि के विकास। मित्रों, ये 3/4 बहुमत और 3 सरकार जो हमारी उत्तराखंड की जनता से मांग थी, उत्तराखंड की जनता ने हमारी मांग को समाप्त कर,
पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है। अब हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दायित्व तो है, हमने वादा किया था उत्तराखंड को विकास के मामले में एक मॉडल स्टेट बनाने का प्रयास करेंगे, वो वादा अब भारतीय जनता पार्टी ने पूरा करने का समय आ गया है। मित्रों, नरेंद्र भाई ने कहा था कि आपने पांचों सांसद देकर एक इंजन वाली सरकार बनाई, दूसरी सरकार बना दीजिए और दो इंजन की गति से सरकार आगे बढ़ेगी। कहा था या नहीं कहा था बताओ भाई, कहा था या नहीं कहा था? मैं हजारों कार्यकर्ताओं के माध्यम से उत्तराखंड की सरकार को, जनता को कहना चाहता हूं कि आज भी नरेंद्र भाई को वादे को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है और उसमें कोई कसर हम नहीं छोड़ने वाले। मित्रों, तीन साल से नरेंद्र मोदी सरकार केंद्र के अंदर चल रही है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है और तीन साल के अंदर देश की परिस्थिति में आमूलचूल परिवर्तन आया हुआ पूरा विश्व महसूस करता है। सिर्फ भारत नहीं, पूरा विश्व महसूस करता है। और अभी अभी राहुल बाबा विदेश है, अमेरिका गए हैं और वहां से पूछते हैं कि क्या विकास हुआ है, नरेंद्र मोदी सरकार हिसाब दे। राहुल बाबा, मैं तो अभी विकास का हिसाब दे दूंगा, देवभूमि के मेरे कार्यकर्ताओं के सामने दे दूंगा, मगर 125 करोड़ की जनता, आप हमारा 3 साल का हिसाब मांग रहे हो, आपसे 3 पीढ़ी का हिसाब मांग रही है। 3 पीढ़ी का, 3 पीढ़ी तक आपने इस तरह पर शासन किया है, कांग्रेस पार्टी का शासन रहा है, आपके पर रहा जवाहरलाल नेहरू जी ने शासन किया, आपकी नानी इंदिरा जी ने शासन किया, आपके पिता राजीव गांधी जी ने किया, आपकी माता जी ने भी मनमोहन सिंह जी के साथ मिलकर 10 साल तक शासन किया, नहीं क्या बताओ भाई? अब मैं 3 साल का हिसाब देता हूं, उन्होंने 3 पीढ़ी का हिसाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, मांगा जाए उनसे हिसाब। अब मैं बताना चाहता हूं मित्रों, किस प्रकार से 3 पीढ़ी तक एक कांग्रेस ने शासन किया, 65 साल के शासन के बाद जब हम सत्ता में आए, इस देश के 60 करोड़ गरीबों के घर में बैंक अकाउंट नहीं था, बैंक अकाउंट। नरेंद्र मोदी सरकार ने 3 साल के अंदर 29.5 करोड़ परिवारों के अंदर बैंक अकाउंट पहुंचाकर आज देश के हर परिवार के अंदर बैंक अकाउंट पहुंचाने का काम समाप्त कर दिया है। अब राहुल बाबा हमारा हिसाब मांगते हैं, राहुल बाबा आपकी 3 पीढ़ी में सिर्फ 7 लाख गरीब महिलाओं को गैस के सिलेंडर मिले थे, हमारे 3 साल के अंदर 2.8 करोड़ गरीब महिलाओं को गैस सिलेंडर देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। आपकी 3 पीढ़ी के 7 लाख गरीबों के गैस की बात कर रहा हूं मैं,
और हमारे 3 साल में 2,80,00,000 लोगों को गैस सिलेंडर देने का काम। मित्रों, ये तीन साल के अंदर 4.5 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। राहुल बाबा, अगर आपकी 3 पीढ़ियों में एक काम आपने समाप्त कर दिया होता तो हमारे भाग्य में काम करना नहीं आता। आप नहीं किए थे, इसलिए आज ये काम हम कर रहे हैं। मगर हम आपको बताना चाहते हैं, हमें 3 पीढ़ियां नहीं लगेगी। 2022 तक देश जब आजादी की 75वीं साल विरासत मना रहा होगा, इस देश के हर घर के अंदर शौचालय पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाप्त कर देगी। मित्रों, 19,000 गांव ये कांग्रेस के 3 पीढ़ी के शासन के बाद 19,000 गांव ऐसे थे जिस गांव में बिजली का खंभा या बिजली का वायर भी नहीं पहुंचा था। कितने गांव के अंदर, जरा जोर से बोलो राहुल बाबा को सुनने के पड़े थे। 19,000 में से 14,000 गांव में 3 साल के अंदर बिजली पहुंचाने का काम समाप्त कर दिया गया है और 2018 मई तक इस देश में एक भी गांव ऐसा नहीं बचेगा जहां बिजली पहुंचाने का काम बाकी। राहुल बाबा, आपकी 3 पीढ़ी तक इस देश के वीर जवान वन बैंक बैंक पेंशन की मांग करते हैं। आपके माथे पर जू नहीं बैठी थी, हमने इतना समय नहीं लगाया, 3 पीढ़ी लगा दी, काम नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी सरकार ने 1 साल के अंदर वन बैंक वन पेंशन का काम समाप्त कर जवानों के बैंक अकाउंट में 8.5 करोड़ हर साल भेजने का काम समाप्त कर दिया। मित्रों, मुद्रा बैंक के माध्यम से 3 साल के अंदर 7,64,00,000 गरीब युवाओं को स्वरोजगारी के लिए 10,000 से लेकर 10,00,000 तक का लोन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 7,64,00,000 युवाओं को रोजगारी के लिए लोन देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और मित्रों, 3 पीढ़ी से 1955 से इस देश का पिछड़ा समाज के करोड़ों लोग अपने सम्मान की मांग करते थे। पिछड़ा समाज के लोग संवैधानिक मान्यता के लिए तरसते थे। काका साहेब कालेकर रिपोर्ट से लेकर आज तक कांग्रेस ने एक काम नहीं किया। नरेंद्र मोदी सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता देने का फिर लेकर उसका सम्मान किया। लोकसभा के अंदर बिल पारित भी हो गया, राज्यसभा में अपनी बहुमत की कम है, बिल आया, कांग्रेस ने गिरा दिया। 55 से जो मांग पिछड़ा वर्ग के समाज की थी उसको पारित नहीं हुआ। मित्रों, मैं आज मंच से आप सभी की उपस्थिति में देश के करोड़ों पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं को भरोसा देना चाहता हूं। राहुल बाबा ने और कांग्रेस पार्टी ने जितनी ताकत है वो ताकत का इस्तेमाल करकर इस बिल को रोक ले। इस बिल राज्यसभा और लोकसभा में जरूर पारित होगा और संवैधानिक मान्यता जरूर। मित्रों,
उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड उसकी रोजगारी और उसकी आर्थिक परिस्थिति ये सभी चार धाम की यात्रा पर निर्भर। चार धाम तो नहीं है, दुनिया भर से यात्री उत्तराखंड में आते हैं। इतने साल हो गए मगर चार धाम की यात्रा सरलता से हो, सलामती से हो, इसकी कोई व्यवस्था कोई सरकार नहीं करती थी। चार धाम की यात्रा पर घर से यात्री निकलता था तो घर के लोगों के मन में हमेशा रहता था जल्दी आता है, जल्दी आता है, जल्दी आता है। नरेंद्र मोदी सरकार ने चार धाम के लिए फोर लेन वाला ऑल सीजन रोड बनाने का निर्णय किया, 12,000 करोड़ रुपया, जिसको कल पर्यावरण की मंजूरी भी मिल गई है। अब ये काम तुरंत शुरू होने वाला है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारधाम, बद्रीधाम के चारों यात्रा स्थानों पर देश के करोड़ों लोग 12 महीना यात्रा कर सके, इस प्रकार के रोड की रचना ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस वाले कान खोल कर सुन ले, 50 साल तक अपना शासन रहा, ये काम आप नहीं कर पाए। मित्रों, 15,000 करोड़ रुपया उत्तराखंड की रेलवे के विकास के लिए ये 3 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देने का काम किया है। और उत्तराखंड को जो मदद मिलती थी केंद्र सरकार से उसमें भी लगभग 3 गुना बढ़ोतरी करने का काम किया। जब कांग्रेस की सरकार थी तब 13th फाइनेंस कमीशन के अंदर उत्तराखंड को 15,962 करोड़ रुपया मिलता था और अब 41,655 करोड़ रुपया देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कितना दे रहे फिर से बोलो, 41,655, जरा जोर से बोलिए कितना देते हैं। ये तो उत्तराखंड की जनता को आपने बताना है कि आपने आशीर्वाद मोदी जी को दिया, आपने आशीर्वाद हमारी सरकार बनाकर दिया, भाई वीरेंद्र रावत को दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तराखंड की मदद में 15,962 करोड़ से 41,655 करोड़ की बढ़ोतरी करने का काम और बहुत सारे प्रोजेक्ट भारत सरकार ने किए। और मुझे भरोसा है मित्रों, बहुत जल्दी ही दिन दूनी रात चौगुनी अपने उत्तराखंड की प्रगति होने वाली है। उत्तराखंड की प्रगति होगी इसमें आप कोई संशय न रखिएगा, मगर उत्तराखंड के साथ साथ आप सभी ने भाजपा को भी मजबूत करना है या नहीं करना है, जरा जोर से बोले करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मित्रों, दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म 70 वर्ष है। पंडित दीनदयाल जी ने इस देश में एक नई प्रकार की राजनीति की शुरुआत, सिद्धांतों के आधार पर राजनीति की शुरुआत, संगठन के आधार पर राजनीतिक दल को चलाने की शुरुआत और कार्यकर्ता जिसका आत्मा हो ऐसी राजनीति की शुरुआत दीनदयाल जी। और पार्टी ने तय किया है कि दीनदयाल उपाध्याय जन्म शती के उपलक्ष में देश के हरेक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत यूनिट बनाना, एक मजबूत इकाई बनानी। और ये काम ये मंच पर बैठे हुए नेता नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता। ये काम
मेरे साथ में बैठे हुए मेरे भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के आधार पर राजनीति में आगे बढ़ने वाली पार्टी। हमने एक योजना बनाई, हर बूथ के अंदर एक मजबूत इकाई की रचना की, जिसमें हर कार्यकर्ता को 3 बूथ दिए जाने वाले हैं। आज यहां पर 4,000 कार्यकर्ता है, उत्तराखंड में 10,000 बूथ है, यहां से चुने हुए 3,000 कार्यकर्ता को 3-3 बूथ देने वाले हैं। इस बूथ के अंदर प्रवास करकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है। इसकी पूरी कार्ययोजना कल पूरा दिन जिला अध्यक्षों के साथ, जिला महासचिवों के साथ, विधायकों के साथ, सांसदों के साथ और दीनदयाल विस्तारक योजना के विस्तारकों के साथ भी चर्चा की। मगर ये चर्चा तो कागज पर ही रह जाएगी अगर आप सब वो योजना को सफल न करो। आप बताओ, आप सब 3-3 बूथ लेकर हर बूथ में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे? कैसे बोलते हैं क्या? मैं फिर से पूछता हूं, हर कार्यकर्ता 3 बूथ की जिम्मेदारी लेकर हर बूथ में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेगा क्या? एक अजय भारतीय जनता पार्टी की रचना करेगा क्या? अजय उत्तराखंड भाजपा की रचना करेगा क्या? ये देवभूमि को भारतीय जनता पार्टी का मजबूत घड़ा बनाएंगे क्या? पक्का? मैं दिल्ली जाकर मोदी जी को कह दूं, सभी लोग सहमत है, कह दो। देखो पची बाद में आप कुछ कहानी मत निकालना, 4 महीने बाद मैं आऊंगा, 4 महीने बाद पूछूंगा कितने बूथ हुए, सबके बूथ समाप्त होने चाहिए, हो जाएंगे। तो मित्रों, आप मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी खींच कर उत्तराखंड के विकास के लिए और मोदी जी के नेतृत्व में, त्रिवेंद्र जी के नेतृत्व में एक मॉडल उत्तराखंड देवभूमि की रचना के लिए संकल्प करते हुए मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी खींच कर बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। सभी जनता की व्यवस्था है, पानी और जलपान वहां से लेकर नहीं जाए, सभी